वैसे करण भाई मैं क्या सोच रहा था, ऋषभ भैया तो यहाँ पे रहते नहीं है, क्या पता बाहर उनका कोई और। ओए क्या फिर, मैं मानू तेरा खींच के, क्या क्या बाहर क्या? मैं पता नहीं, काम करने जाता हूँ मैं, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैनेजर टीम मेरे साथ होती है, पूछ ले उनको फोन करके, ऐसा वैसा कुछ अपने से समझ रखा है क्या? मैं तो एक ही पे। अबे इस एंगल के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कौन से एंगल के बारे में? तू बोल। मैं क्या बोलूं? लड़कियों के नाम। कौन सी लड़कियों के नाम? अरे जिनके चक्कर में तो इंडिया में नहीं रहा। कौन सी लड़की? तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसी कोई लड़की ही नहीं है यार, बोलोगे क्या? बोल रहा बड़ा भाई हूँ मैं। ओह आई एम सॉरी। नहीं नहीं सॉरी की क्या बात है शलन, तुम्हारा रूम है, हम तो बस ऋषभ से पूछा था कि लंदन में इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। ए आई क्या, चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से, जाओ जमी जाओ यहाँ से, आ जाओ शलन, आ जाओ। अब तेरा बवाल कल सुबह सुनूंगा। सुने बेटा, तेरे भाई को चौके छक्के मारने की आदत है, छक्का मार दिया उसने, तो तू बुरा मत मानना। जाए से शुक्रिया, अगर आपको कमरे की जरूरत पड़े ना, मोर देन वेलकम, आप सो सकते हो। बहुत दिनों के बाद आया हूं ना, मजाक कर रहे थे इसलिए। देखो फोन आया है, जरा देखना। हेलो कौन? मामा बिजी हैं। किसका फोन है पीयू? आप कौन? अच्छा तो मैं आपकी मम्मा की मम्मा, आपकी नानी बोल रही हूँ, जरा मम्मा को फोन दो। नीना? नहीं नहीं बेटा, नीनी नहीं, नानी नानी। मैं तो नीना बोलूंगी। अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे ना वो बोल लो, आपको निन्नी बोलना है ना तो आप निन्नी बोल लो। मामा आपकी नीना। मैं समझ गई। हाँ माँ, मुझे पता था कि आप ही का कॉल है। हाँ जी, ये सब कैसे हो गया? कल सुबह होते ही मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और अब आप मुझे ये बात बता रहे हो? प्लीज कोशिश कीजिए ना, नहीं हो पाएगा। Are you sure? प्रीता एक मिनट। अच्छा जी ठीक है, मैं कुछ और इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ राखी माँ? प्रीता एक प्रॉब्लम हो गई है, जिस मिठाई वाले को ऑर्डर दिया था लड्डुओं के बॉक्सेस का, उसने फोन करके अभी बताया कि वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कह रहा था उसके दुकान में आग लग गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और अब क्या होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा दी, कल गणेश चतुर्थी है, सुबह से लेके मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और मैंने सोचा था सारे मेहमान को लड्डू का एक डब्बा और चांदी का गणपति प्रसाद के तौर पे दूंगी, और ये कह रहा है कि ये डिलीवरी कम्प्लीट नहीं कर पाएगा। अब मैं दूसरे हलवाई को फोन करके अगर ऑर्डर दे भी दूँ तो इतने कम वक्त में वो ऑर्डर कम्प्लीट करेगा नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात तो क्या स्वाद होगा उन लड्डुओं में? पता नहीं, ये जितना अच्छा बनाता था दूसरे शायद इतने कम वक्त में अच्छा नहीं बनाए। क्या करूं? माँ मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। प्रीता सरला जी का फोन है। हाँ एक मिनट मेरी बात करा दे। माँ एक मिनट बात कर। सरला जी नमस्ते। नमस्ते राखी जी, कैसी हैं आप? छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे, आपको याद है आप हमारे घर सरगी लेके आए थे और करण के लिए लड्डू भी ले आए थे, बड़ा स्वाद था उन लड्डुओं में, आप बताइए ना कहाँ से ऑर्डर किए थे? वो केटरर का नंबर या कुछ? एक्चुअली बात ये है सरला जी, जिस मिठाई वाले को मैंने ऑर्डर दिया था वो उसने अभी फोन करके बताया वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब उलझन ये हो गई है कि गणेश उत्सव कल है, अब मैं इतने कम वक्त में ऑर्डर किसे दूँ समझ में नहीं आ रहा, उस केटरर का नंबर दीजिए ना, मैं उसी को फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। थैंक यू राखी जी, आप शायद भूल गई मैंने आपसे कहा भी था कि अपने दामाद के लिए मैं अपने हाथों से बना के लड्डू लेकर आई हूँ, मैंने खुद बनाए थे वो लड्डू करण के लिए और आप सबके लिए भी। आपने? अरे अरे राखी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब लड्डुओं की बात है ना तो मैं बना दूंगी लड्डू। नहीं नहीं सरला जी बिल्कुल नहीं,
इतने कम वक्त में इतना बड़ा ऑर्डर। नहीं नहीं आपको तकलीफ होगी, मैं देखती हूँ, कुछ और इंतजाम करती हूँ मैं। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए राखी जी, सब हो जाएगा। मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ सृष्टि और जानकी भी है, तीनों मिलके बनाएंगे ना तो फटफट बन जाएंगे इतने सारे लड्डू। नहीं नहीं सरला जी, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। प्रीता मम्मी जी को समझाओ। राखी जी, राखी जी शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही हूँ। और वैसे भी ये तो गणेश जी के भोग के लड्डू है। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला है गणपति जी के लिए भोग के लड्डू बनाने के। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, टाइम से सारे लड्डू पहुँच जाएंगे, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही हूँ। आर यू श्योर आप कर पाओगे? माँ बहुत सारे लड्डू बनाने हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना बेटा बन जाएंगे, तुझे पता तो है मुझे आदत है बनाने की, और वैसे भी ये दोनों साथ में होंगे ना तो फट से बन जाएंगे। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, टाइम से पहुंच जाएंगे हम लोग सारे लड्डू लेकर। ठीक है? ठीक है सरला जी, थैंक यू सो मच। अरे फिर से आप थैंक यू कह रही है राखी जी, बिल्कुल थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि गणपति के भोग के लड्डू आप मुझसे बनवा रही हैं। गणपति जी खुश हो जाएंगे, आपका परिवार सुखी और सुख रहेगा, बस मुझे और क्या चाहिए। चलिए थैंक यू, आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। ये ले पकड़। चल चल जानकी, बिल्कुल टाइम नहीं है, एक काम कर तू कपड़े रख इधर और पैसे ले ले, और वो जो कोने वाला नहीं है क्या नाम है उसका, गणेश, उसके यहाँ से ना वहाँ पे ले आ वो मिठाई के डब्बे। सुन सुन पैसे ज्यादा ले जाना, वो इस समय ये त्योहारों का टाइम है ना, वो डब्बे देने में नानुकुर करेगा, उसे ज्यादा पैसे देना और खाली डब्बे जल्दी से लेकर आ। तब तक मैं देखती हूँ लड्डुओं का क्या करना है। चंगा जी होने लग के आई। गणपति पप्पा मोरिया। कनिष्क का सच में कोई अफेयर चल रहा है ना, तो मैं उसे नहीं बख्शूंगी। अरे मैं ही पागल हूँ, मुझे लग रहा है कि ऋषभ लंदन इसलिए रह रहा है क्योंकि उसका बिजनेस है वहां पर, लेकिन नहीं, उसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ कहना? वो मैं आता। जरूर इसका कोई अफेयर चल रहा है, वो कहते हैं ना जब तक कहीं कोई आग नहीं लगी होती तो धुआं नहीं निकलता, लेकिन अगर आग लगी तो उसमें मैं नहीं चलूंगी, चलेगी इसकी वो गर्लफ्रेंड। क्या ये सच में उसे कॉल करने गया? नहीं नहीं अभी बाहर नहीं जाऊंगी, अगर बाहर गई तो वो गणपति जी के प्रिपरेशन में सबकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन अब से कि मिस्टर हस्बैंड पे वो पत्नी वाली नजर रखनी पड़ेगी। ओए कुमकरण, चल मैं यहाँ पर सोऊंगा। निकाल दिया क्या? मुझे निकालेगा कोई? मैं खुद निकल कर आया हूँ यहाँ पे। अच्छी बात है, ऐसे इज्जत बनी रहती है। वेरी गुड। तू क्या ज्ञानचंद बना रहता है, इज्जत बनी रहती है? तू मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइट बंद कर। करता करता। ये भारी भरकम बातें बोलते रहे। तू यहाँ क्या कर रहा है? आपको भी निकाल दिया। चले निकाल दिया, मेरा भाई यहाँ सोया तो मैं भी यही सोऊंगा। जूते तो जूते, अबे बचपन से मैं जूते पहन के सोता हूँ, तुझे मालूम नहीं है क्या? चल उन्हें इतनी भारी टांग मेरे ऊपर रख दी यार, मैं कैसे सो गए? भारी है और क्या। चल अरे तेरी मामू आ रहा है, कितना भार मेरे ऊपर छोड़ दिया। गुड नाइट मामू। तेरी मामू? गुड नाइट मामू। अरे यार तू, मेरे को जेट लैग है मेरे भाई, मेरे को सोना है सुबह जाके गणपति। कौन? कौन? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं। शहंशाह। अबे महेश लूथरा, तू इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? नौटंकी पास बेटे हो तो बेटा बाप को एक्टिंग करनी पड़ती है, और अभी तुम्हारा बाप आ गया यहाँ पर और वो अपने बेटों के साथ सोएगा, और आज बेटे बाप के साथ सोएगा। धमकी दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? महेश लूथरा धमकी देके प्यार से बात करता, अभी इधर ही सोएंगे। अबे हटो, एक मिनट, ये ऑलरेडी ये इतना बड़ा बेड है, टूट जाएगा बेड यार, इतने बड़े थोड़ी चार। बेटा तेरे बाप के पास बहुत पैसा है, हम और बनवा लेंगे। अरे तू लाइट ऑफ करना। कर रहा हूं कर रहा हूं। मैं ड्राइंग रूम में जाके सो रहा हूं। तू कहीं नहीं जा रहा। अरे चुप, इधर इधर। हां चल सुनो, ऐसे ऐसे कैसे? कुछ कैसे कैसे नहीं, जहां चार यार मिल जाए वही रात हो गुजार। तो मेरे यारों आज की रात
आंखें बंद करके कैसे आपको देखेंगे? नहीं तो मैं देखूंगा ना। ओके ओके चाचू बहुत बोलते हो, सो जाओ। अच्छा बस आप सब लोग सारे सो जाएंगे, सुबह पापा की मूर्ति घर पे लेके आनी, टाइम पे उठना। चलो कर्राटे कोई नहीं लेगा सिवाय मेरे। बस डैड अब कोई बात नहीं करेगा प्लीज। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अब रुकिए, बप्पा के मुख दर्शन का समय हो गया है। आपके परिवार में जो सबसे बड़े हो वो कृपया आगे आ जाए। गणपति बप्पा। अरे सही वक्त पे आ गए तुम लोग। यार वैसे हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? अरे बिल्कुल नहीं, पापा अभी आए, बस थोड़ी देर में आरती का मुहूर्त हो जाएगा, फिर आरती करेंगे। यू गाइस जस्ट कैरी ऑन, आई जस्ट टेक अ वॉक। और जीतू जी वो नहीं है अब तक? जीतू जी आ गए। जय माता दी। आप हमारे घर आए गणपति उत्सव पे, थैंक यू सो सो मच। और ये सौभाग्य पापा ने मुझे दिया है। इसकी शुरुआत हुई थी हमारे ही शो पवित्र रिश्ता से। फिर कुमकुम भाग्य और अब कुंडली भाग्य। आज ये आरती स्पेशल इसलिए है कि हम इसे मिलके पवित्र रिश्ता के साथ कुंडली भाग्य में करेंगे। और आज ये आरती स्पेशल इसलिए है, हमारे शो का हम सबका फेवरेट स्टार आज हमारे बीच नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत।
उसकी याद में 8 स्पेशल एपिसोड्स देखना ना भूलिएगा। पहले Z5 पे, फिर हॉल्ट वाला जी पे। पवित्र रिश्ता को फिर से बनाने का मकसद बस इतना है कि एक सच्चे प्यार की कहानी को फिर से लोगों के सामने लाया जाए। ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसने सच्चा प्यार किया और लोगों को सच्चे प्यार का मकसद समझाया। पवित्र रिश्ता को फिर से लाना अंकिता की ख्वाहिश थी, जो आज पूरी होने जा रही है। करंजीकर परिवार और देशमुख परिवार वापस आ रहे हैं हम सबके परिवारों में। आई विश पवित्र रिश्ता पर बापा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो आओ आज आरती शुरू करेंगे पवित्र रिश्ता के साथ। आज इस आरती के साथ मानव अर्चना को याद करेंगे। आओ गणपति बप्पा बोया। मैं दिल से दुआ करता हूं कि पवित्र रिश्ता फिर से हर घर से जुड़ जाए और हर घर इस रिश्ते से। कुंडली भाग्य का भाग्य तो अपने भाग्यशाली बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखना। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया।
और अंकिता कैसा चल रहा है तुम्हारा पवित्र रिश्ता का सफर? पवित्र रिश्ता का सफर तो बहुत अच्छा चल रहा है। ईशो से इतने सारे इमोशंस जुड़े हैं ना कि शायद ही कोई समझ सकता है। ईशो ने बहुत कुछ दिया मुझे, नाम, शोहरत, और सिर्फ वही नहीं, इतने सारे रिश्ते भी दिए। मैं जानती हूँ कि पूरे देश ने अर्चना मानव को बहुत सारा प्यार दिया है, हमेशा, और इस बार भी देंगे। बिल्कुल। मैं शहीर के बारे में क्या बोलूँ, आई थिंक जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम शहीर से मिली थी ना, मतलब मुझे पता था ये मानव बनने वाले, लेकिन जिस दिन हमने फेस किया था कैमरा साथ में, मुझे शहीर की आंखों में सच में मानव दिखाई दिए। And he's brilliant. Of course he is. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्हें मेरी आंखों में मानव दिखा, और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला ये कैरेक्टर प्ले करने का। बहुत सिंपल सी लव स्टोरी है, बहुत सिंपल से लोगों की, आपके मेरे जैसे साधारण से मिडिल क्लास लोग हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ सिंपल और सुलझा हुआ है। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, डिज़ाइनर क्लोथ्स नहीं है, छुट्टियों में स्विट्ज़रलैंड नहीं जाते, लेकिन हाँ, इनके दिलों में प्यार है एक दूसरे के लिए। और मुंबई की गलियों में बारिश में भीगते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ये सिंपल सी लव स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा शाही, जो सच्ची प्रेम कहानियाँ होती हैं उन्हें बड़ी गाड़ियाँ या डिजाइनर क्लोथ से कोई लेना देना नहीं, वो तो दिलों में जन्म लेती हैं। एब्सोल्युटली, और तुम दोनों की जगह तो ऑडियंस के दिलों में पहले से है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि लोग कितना खुश होंगे कि मानव अर्चना वापस आ रहे हैं, उनका फेवरेट शो पवित्र रिश्ता वापस आ रहा है। पता नहीं अर्चना, क्यों ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिविटी है इस शो के बारे में, कि फिर से लोगों के दिल को छुएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं श्योर ऐसा ही होगा, क्योंकि पवित्र रिश्ता शो ही ऐसा है। आई थिंक ये प्यार से भरा हुआ शो है, और बस हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो प्यार पहुँचा सकें। तुम दोनों देखना, जैसे कुंडली भाग्य का भाग्य बुलंद है ना, वैसे ही पवित्र रिश्ता का रिश्ता लोगों के सर पर चढ़ के बोलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Bye bye. Bye bye guys. Bye. 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 हेलो, क्या हो रहा है? अब तक लट्टू आए नहीं, कितना टाइम लगेगा? और प्यार कभी मरता नहीं, और जब उस प्यार के रिश्ते पे बप्पा की कृपा हो तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं बप्पा के आशीर्वाद से मैं एक बार फिर आप सबके सामने आई हूँ, अर्चना और मानव की कहानी लेके, उसी पवित्र रिश्ते को फिर से एक बार जीने के लिए आप सबके सामने।
मैंने आपसे पहले ही कहा था भाभी, सरला को इतना बड़ा ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुनती नहीं है। गेस्ट आ चुके हैं, आरती हो गई है, अब जब गेस्ट जाएंगे तो क्या देंगे आप उन्हें, क्योंकि लड्डू तो अब तक आए नहीं। करीना दी, एक तो एंड वक्त पे सरला जी ने हमारी मदद की, और अब अगर मैं उनसे फोन करके पूछूंगी कि लड्डू अब तक घर पे पहुंचे नहीं, अच्छा लगेगा क्या? हाँ। क्या हो गया राखी माँ, क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है प्रीता, भाभी तुम्हें कहने से हिचकिचा रही है, पर याद है तुम्हारी मॉम को कहा था लड्डू बनाने के लिए? हाँ। अब लड्डू अब तक आए नहीं, गेस्ट जब जाएंगे तो प्रसाद के नाम पे उन्हें हम क्या देंगे? इफ यू डोंट माइंड अपनी मॉम को फोन करके पूछ लो क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची, घर से निकली है कि नहीं, प्लीज। करीना बुआ, मैं अभी माँ से फोन करके पूछ लेती हूँ, आई एम श्योर बस रास्ते में ही हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सरला जी आती ही होंगी। यही प्रॉब्लम होती है ना, अपनों को कोई काम दो तो यही होता है ना, पूछो तो प्रॉब्लम, पूछो तो प्रॉब्लम। इससे बेटर तो यही होता कि किसी और को ये ऑर्डर दे दिया होता, कम से कम फोन करके पूछ तो लेते, शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। ये बॉबी भी ना, किसने कहा, क्या कर रही है जानकी, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। मैंने बॉबी से कहा भी था कि टेम्पू का इंतजाम कर देना, कह रहा है टेम्पू का इंतजाम ही नहीं हो रहा। मैं बाहर जाके ना टेम्पू देखती हूँ, तो एक काम करना, ये सारे जो लड्डू के डब्बे हैं ना वो बाहर दरवाजे के रख देना, जैसे ही टेम्पू आएगा ना हम लोग लोड कर लेंगे, देर नहीं होनी चाहिए ना, वरना राखी जी परेशान हो जाएंगी। चल जल्दी करना। हाँ ठीक है। ये प्रीता क्यों? हेलो, हाँ प्रीता। माँ वो आप आए नहीं हैं अभी तक, वो लड्डू की वेट कर रहे थे ना सब। हाँ प्रीता, बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे सारे लड्डू के डब्बे लेकर। राखी जी को बोलना बिल्कुल परेशान मत हो, हम बस निकलने ही वाले हैं। ठीक है, चल बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, निकल ही गए, सब लड्डू बन गए। थैंक गॉड, आई जस्ट होप टाइम पे आ जाए। जी आ जाएंगे। जल्दी जल्दी तू डब्बे ना बाहर पहुंचाना, मैं फटाफट टेम्पू लेकर आती हूँ, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा ना 10 या 15 मिनट लगे, सारे डब्बे घर के बाहर रखना वरना देर हो जाएगी, जल्दी कर। हाँ जी बहन जी, जल्दी जल्दी। कोई क्या, मैं उन्हें लेके आई, आप टेम्पू देखो। इतने सारे डब्बे और मैं अकेली, सारी की सारी मिठाई मैं अकेली ही लेके जाऊं, कैसे हो सकता है, और टाइम भी कम है। लक्ष्मण कहाँ रह गया था तू, पता है 15 मिनट से यहाँ खड़ी इंतजार कर रही थी, आज मुझे जाना था वो प्रीता के घर में, सारे डब्बे तैयार करके जानकी वहां घर के बाहर खड़ी होगी, जरा जल्दी चला ना, देर हो गई है। चल जी, पागल औरत थी ना यार ये शाखा, इसको इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग तो गाड़ी देखकर ही चला रहे हैं ना यार। अरे मतलब अगर हम गाड़ी देखकर नहीं चला रहे होते तो हम माल की सप्लाई कैसे चेंबूर तक कर पाते यार। अरे विष्णु तू तो चुप कर ना यार, बस यार आज किस्मत साथ दे दे, नहीं तो कई काम से। यहाँ तो नाकाबंदी है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है यार कि ये जगह जगह पेट्रोलिंग क्यों हो रही है, और पेट्रोलिंग भी ऐसी जगह हो रही है ना जहाँ कभी देखी नहीं आज तक। एक काम करते हैं, यूटर्न लेते हैं। चिंटू यूटर्न मार। अरे एक मिनट रुकना यार शाखा, आज हमारी किस्मत खराब ही समझ ले। अब देखना यार वहाँ पर आगे नाकाबंदी लगी हुई है और पीछे यूटर्न के लिए जगह बहुत कम है यार। बॉस का फोन। यस बॉस। माल पहुंच गया क्या? बॉस हम रास्ते में, हम पहुंच गए तो समझो माल भी पहुंच गया। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। अरे एक ही शहर का सौदा है, चेंबूर से माल छू जाएगा। पता नहीं तुम लोग कहां पर टाइम पास कर रहे हो। बॉस हम लोग कब के चेंबूर पहुंच गए होते, लेकिन यहां पे
हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग है। पहले तो हम लोग को लग रहा था कि गणपति की वजह से पुलिस पेट्रोलिंग है, लेकिन अब मेरी दिमाग की बत्ती जल गई है। बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जहाँ कभी नाकाबंदी नहीं होती वहाँ भी नाकाबंदी नजर आ रही है। बॉस क्या बताऊँ, कितने रास्ते बदल बदल के जा रहा हूँ। बॉस एक आखिरी रास्ता बचा था हमारे पास चेंबूर जाने का, लेकिन वहाँ भी नाकाबंदी लगी हुई है। बॉस बहुत खतरा है, पकड़े जाएंगे। बॉस हम वापस आ जाए? खबरदार, अगर वापस आए तो सौदा मेरा हो गया है, पैसे मैं ले चुका हूँ। आज के तारीख में अगर माल डिलीवर नहीं हुआ ना तो तुम लोग को मैं ऊपर डिलीवर कर दूंगा। बॉस पार्टी को बोल देना आज माल पहुंचाने में थोड़ी देर हो जाएगी। किसे दिया ना? हमारी न्यूज पुलिस को दे दी है, वो पता चल गया कि आज ड्रग्स से सप्लाई होने वाली है, इसलिए जगह जगह पर पुलिस जान पे बैठी है। बॉस फोन रखता हूँ, आगे खबर देता रहूंगा। चिंटू गाड़ी पीछे ले, फ्लैश जल्दी ले। रोक रोक, MH1201-8574 इस नंबर की गाड़ी को तुरंत रोको और उसको चेक करो। ये तांबे, बाइक निकाल। हे भगवान, आज तो ये पुलिस आफत ही बन गई है। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, किसे ढूंढ रहा? किसी को नहीं करण भाई, ऐसे। अरे सैमी। हाँ जी ऋषभ भैया, कहाँ जा रहे हैं तो इतनी जल्दी में, क्यों लग रहा है? हम तो सारे यहाँ पर। नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है, ऐसे ही। अच्छा, स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू ऋषभ भैया, आप भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ जी बोलो ना, एक बात पूछूं? बताएगा? बिल्कुल, जो आप जो पूछोगे एकदम बताऊंगा सच सच। अरे सृष्टि के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? सृष्टि? सृष्टि के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा कोई झगड़ा नहीं? नहीं। अच्छा शायद मुझे थोड़ा लगा होगा। चल ठीक है, कोई ओके। नहीं, नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, लेकिन तू कह रहा है कि नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। खुल के तो बताओ, खुल के। तो खुल के ही बता रहा हूँ, और कैसे बताओ यार, ये खुल के ही बता रहा हूँ। टेंशन मत ले, जस्ट टेंशन क्या है ऋषभ भैया, कुछ नहीं टेंशन वेंशन कुछ नहीं। बट आपने ऐसा क्यों बोला कि सृष्टि और मेरा कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसा क्यों बोला? उतना टेंशन में क्यों आ गया समी? बोला ना टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पूछ रहा हूँ। एक मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ पर अभी आया हूँ, मैं तो बाहर था ना। हाँ जी। मुझे तो पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ, लेकिन जब मैं यहाँ से गया था ना तो मैंने जो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम दोनों आपस में दोस्त हो सकता है, कपल भी हो सकता है, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। पर उसके बाद जो मैंने देखा मुझे लगा कि क्या देखा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो। पर आपने देखा देखा क्या है? सृष्टि किसी लड़के को हक कर रही थी यार। What? वो किसी को हक कर रही थी? आराम से आराम से। मेरा तो कोई ब्रेकअप हुआ ही नहीं ऋषभ भैया उसका। कहा था मैंने तुझे? बैठ जा, सही बताएगा। बैठ जा, बैठ जा, मुझ पहाड़ के नीचे आ गया, आके बैठ। क्या क्या हुआ? बता। अब दोनों क्यों ऐसे देख रहे हो मेरे को? हाँ हाँ, तो और कैसे देखे? छोटा भाई है ना, तो और कैसे देखे? बता क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, आप बताओ ना क्या चल रहा है? पक्का कुछ चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। अरे तेरा अफेयर चल रहा है सृष्टि के साथ, बता क्यों नहीं देता तू? इतना क्या शर्मा रहा है तू? बता ना कब तक छुपा के रखेगा? दुनिया वालों को नहीं बताएगा, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा, बता ना। नहीं मैं तो कभी नहीं बताऊंगा। नहीं मेरा मतलब है उसके साथ कोई अफेयर नहीं है। तो अभी तो तूने कहा कि तेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, अब तू कह रहा है कि, तू डिसाइड कर ले पहले क्या बोला। नहीं नहीं ब्रेकअप नहीं हुआ, सही तो बोला, जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो ब्रेकअप कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, तो फिर इतने शौक में क्यों आ गया? हाँ जब इसने कहा कि वो किसी के गले लग रही थी। करण भाई मैं कहाँ शौक हूँ, मैं तो शौक तुझे अटैक आने वाला था। नहीं क्या क्या बता। नहीं नॉर्मली मैं तो ऐसे ही बोला, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में तेरे से सच उगलवाने का प्लान चल रहा है। मेरे से पर कोई सच है ही नहीं, आप दोनों भाई मिलकर मेरी टांग क्यों खींच रहे हो? बेटा ऐसा है कि हम हैं तेरे बड़े भाई, और बड़े भाइयों को पता होना चाहिए कि छोटा भाई क्या कर रहा है ना, हमें तो तेरे साथ सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। चल अब बता, ये बैट किसके लिए? वो तो वैसे टांगे तोड़ने का प्लान। मेरी टांग क्या क्या? एक मिनट भाई, मेरी टांगे क्यों तोड़नी है? अगर आपने मेरी टांगे तोड़ी तो मैं इनके साथ डांस कैसे करूंगा? मेरे साथ करना था। हां परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है यार हमारा। हां हो रहा है, कपड़े भी चेंज करने, चलो ना। एक मिनट, किसकी परफॉर्मेंस है? मेरी, इसकी एक और जने की है, उसको आपको चलना पड़ेगा साथ में लाइव देखने के लिए। चलो चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं की, छुपा लिया इसने, बताया नहीं।
क्या हुआ बॉस? सर दर्द हो रहा है, मालिश कर दूं? ए, चुप रहे वरना मार डालूंगा यहाँ पे। सॉरी सर। भाई अच्छा हुआ रॉबिन तो आ गया। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम हुई है? इतना अर्जेंट में बुलाया? अरे किसी ने हमारी खबर लीक कर दी है कि हमारा माल डिलीवरी होने वाला है। वो पुलिस आज धोखे पीछे पड़ी हमारे। अरे इतने सालों से हम लोग माल की डिलीवरी करते हैं लेकिन आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज कैसे पता चला? कोई तो है जो पुलिस को खबर दे रहा है। रॉबिन तू सिर्फ उसका नाम ला के दे। सिर्फ नाम ला के दे मुझे उसका। फिर तो बॉस उसके नाम का क्रियाक्रम कर देंगे। भाई आप शांत हो जाओ, क्यों अपना खून जला रहे हो? भाई खून तो मैं उसका जलाऊंगा जिसने हमारे पीछे पुलिस छोड़ी है। तू सिर्फ एक काम कर, तू सिर्फ उसका नाम ला के दे। सिर्फ नाम ला के दे मुझे, उसको छुना मत। तुझे पता है ना इससे कोई छूता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये मेरी जान है। भाई तो एक काम करो, आप ये गिटार बजाओ, इससे आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपको सुकून भी मिलेगा। मैं भी फोन पे लगता हूँ और पता लगाता हूँ कि वो कौन खबरी है जिसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। हेलो, एक खबरी की खबर चाहिए और हाँ जल्दी चाहिए। बहुत दिनों से ना बेबी के साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं किया है, बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ कुछ हो ही नहीं पा रहा है बेबी के साथ। ऐसा लग रहा है कि मैं बेबी को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, बेबी को सरप्राइज देता हूँ, अंदर जाके जोर से बड़ी वाली हग दे दूंगा, बेबी खुश हो जाएगी। कहाँ जा रहे? बोलो। क्या कर रहे थे यहाँ पे? कुछ नहीं। बिना कुछ किए तुम यहाँ पर मेरे कमरे में घुसने वाले थे? ओ ऋषभ जी आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ना एक थॉट में खोया हुआ था और थॉट में ऐसा खोया कि खुद खो गया। ऐसा लग रहा था मैं खुद के कमरे में घुस रहा हूँ लेकिन जैसे ही आपको देखा तब रियलाइज हुआ कि ये तो मेरा नहीं है तो आपका कमरा है, इसलिए आपको देखते मैंने शार्प टर्न ले लिया। बहुत अच्छा, क्या ले लिया? ऐसे मेरे पास ना आपके लिए एक जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट है। अरे अच्छा हुआ सैम राइट टाइम पे आए हो तुम। आपके लिए नहीं, आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या डांस परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने। उस डांस परफॉर्मेंस में ना तीन चीजें थी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोगों ने प्रैक्टिस कब की? लूथर हाउस में तो मैंने आप दोनों को कहीं देखा ही नहीं प्रैक्टिस करते हुए। छुप छुप की चीजें करना तुम्हारा काम है पृथ्वी, हम जो करते ना खुले आम करते। बेटा जिस दिन तू पकड़ा गया ना ऐसी जगह छुपेगा कहीं दिखेगा नहीं तुम्हारा, बाई गॉड कह रहा हूँ, समझा? हंस ले बेटा हंस ले। सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है आपका भाई, क्या डायलॉग मारता है। अच्छा डायलॉग है ना। अरे जीजे साले का रिश्ता है ना, क्या करेगा, मजाक वाला रिश्ता है। मजाक है, मजाक है, बहुत मजाक किया। बस हो गया, मजाक मजाक किया। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। अगली बार तुम्हारा जीपीएस खराब हुआ और मेरे रूम के आसपास भी दिखे ना तो याद रखना इस घर में नहीं दिखोगे। मैं भी थॉट में खो गया। अच्छा हुआ जो ये पंचायती बिजनेसमैन वापस आ गया। अब ये मेरी नजरों के सामने 24 घंटे रहेगा ना तो नफरत और भी बढ़ जाएगी। और कमरे में क्या, मैं तो घर में घुस आया हूं, जिस कमरे में चाहूं घुसूंगा। उखाड़ ले जो उखाड़ना है।
कितनी बोरिंग व्हीलचेयर है ये। नीचे फंक्शन हो रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नीचे करण है मेरा, और मैं यहाँ पर पड़े पड़े पक रही हूँ। वो जो गिफ्ट्स हैं सबको देने हैं, वो रेडी है ना? सब रेडी है, लेकिन मैं चाहती थी एक बार तू देख ले ताकि कोई गलती ना। एक दिन तो मुझे यहाँ से चल के जाना ही है। आराम से बैठ जा। अरे ऐसा क्यों कर रही थी? डॉक्टर ने मना किया है ना पैर हिलाने के लिए। हाँ प्रीता, जब मैंने पहले ट्राई किया तब भी बहुत दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन तुमने देखा मैं चार कदम तो चल पाई ना। मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ ना प्रीता। नहीं, एक बार फिर से। सोनाक्षी इस तरह जिद मत करो। मैं चल पा रही हूँ प्रीता, I can walk। राखी आंटी, आंटी पापा ने मेरी सुन ली, मैं चल सकती हूँ। प्रीता पता है जब मैं चल नहीं पा रही थी ना तो मुझे बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था। आई थिंक अभी भी मुझे थोड़ा आराम चाहिए, और लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं चल सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं खुद अपने पैरों से चल के तुम्हारी बेटी से मिलने जाऊंगी। क्या हुआ प्रीतम, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तुमने पीहू को मेरे बेटे का? हाँ तो तुम्हारी ही तो बेटी है वो। हाँ मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था जब करीना बुआ ने और राखी आंटी ने कहा था कि मेरा पीहू पे कोई हक नहीं है, मैंने सिर्फ उसे जन्म ही तो दिया है। एक माँ जो अपनी बच्ची को दे सकती है या जो उसे देना चाहिए, वो कहाँ दे पाई मैं उसे? उसकी खुशियाँ, उसके सपने, माँ का प्यार, कुछ भी तो नहीं दे सकी मैं उसे। पहली बार उसने जिसको माँ बोला है तो वो तुम हो प्रीता, तुम ही उसकी माँ हो। थैंक यू। आज पहली बार पीहू के मामले में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज पहली बार तुम्हें इस घर में देख के अच्छा लग रहा है। तुमने प्रीता को पीहू की माँ कहा, बहुत खुशी हुई मुझे। सॉरी प्रीता, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। सोनाक्षी सच में बेटल है, पहले मुझे लगता था कि ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये इतनी अच्छी कि अपनी बेटी को प्रीता की बेटी बोल रही है। मतलब साफ है ये सबको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी और का बच्चा नहीं बोलेगी। इन लूथरास को दिखाई नहीं दे रहा, इन लोगों को नजर दिया ना, जो चीज मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि सोनाक्षी यहाँ पर करण और प्रीता का घर तोड़ने आई है, कुछ बड़ा गेम प्लान करने वाली है ये। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे लिए तो अभी इम्पोर्टेंट है नीचे का फंक्शन, कम से कम धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देखने मिलेगी।
जानकी वैसे ही आने में इतनी देर हो गई, तूने अच्छा हुआ डब्बे यार। सारे डब्बे कहाँ हैं? ये तो कम है डब्बे। हाँ बहन जी, इतने सारे डब्बे और मैं अकेली, है? कैसे करती? जितना हो सका मैंने किया ना। अच्छा ठीक है मैं मदद कर देती हूँ ना तेरी। लक्ष्मण आजा जरा मदद कर दे, पकड़ा तो सही दे। विष्णु मिठाई का डिब्बा दे। ये तो बिल्कुल वही डिब्बा है, दूसरा डिब्बा दे। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वही डिब्बा है जो हमारे पास है। बेटो गाड़ी पीछे ले। पहले हवलदार को जाने दो जो हमारा पीछा कर रहा था। चलो इससे तो पीछा छूटा। जगह बाबू एक काम कर, गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दे। ओके बाबू। अब औरतों के डिब्बों के साथ अपना डिब्बा बदल देते हैं। जगह एक काम कर, देख कर रहा वो मिठाई के डिब्बे टेम्पो में चढ़ेगी नहीं। ओके बस। एक काम कर लक्ष्मण, तू ये रखेगा, मैं उसकी मदद करती हूँ, तू अंदर जाके बाकी डिब्बे ले आ। जा। बहन जी मैं कल ही गई ना तो फिर बहुत टाइम लग जाना, आप साथ चलो, डब्बे बहुत सारे हैं। चल हम बाकी के डब्बे लेकर आते हैं, अब ये तीन डब्बे तो पड़े हैं, तू तब तक रख। चल 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 जल्दी आ जा। बॉस बोल जका क्या हुआ? वो औरत अंदर गई है मिठाई का डब्बा लाने। सुनो मैं ड्राइवर को ना बातों में उलझाऊंगा और तब तक तुम लोग ना डिब्बे बदल देना। अरे भैया मुझे कुछ पूछना था, एक मिनट आइए ना। अरे भाई तो चाय हो ना, बस का मार के। जब मैं ना मुंबई में पहली बार आया, मेरे को ना फिल्म देखने का बहुत बड़ा शौक है। मैडम चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। लक्ष्मण जल्दी आना। चल अब ये रख के ना तू फटाफट गाड़ी चला, स्टार्ट कर, और तू चल यहाँ बैठ जा, मैं आगे बैठ। ठीक है चंगा आजा। चल शाबाश। हाँ आराम से। हाँ बैठ जा लक्ष्मण, गाड़ी स्टार्ट कर।
क्या हुआ प्रीता? कुछ नहीं दादी, मैं तो गणपति जी के हाथ जोड़ रही हूँ, उन्हें थैंक्स कह रही। किस बात के लिए? मम्मी जी, आपको पता है आज सोनाक्षी ने पहली बार प्रीता को पीहू की माँ कहा, कहा कि पीहू सच में प्रीता से बहुत प्यार करती है, और ये भी कहा कि उसने तो पीहू को सिर्फ जन्म दिया है, प्यार और परिवार तो प्रीता ने दिया है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। और आपको पता दादी, आज सोनाक्षी अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई, दो चार कदम चल भी रही थी। सच? जी मम्मी जी, जब हम सोनाक्षी के कमरे में गए थे तो सोनाक्षी चल रही थी। देखिए ना, पापा के आते ही पापा ने चमत्कार कर दिया, सोनाक्षी चलने लग गई। शायद पापा भी यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। गणपति पापा, वो आया। हाय हाय, गणु पापा ने कितनी अच्छी न्यूज सुनाई है, मेरा तो दिन बल्ले बल्ले हो गया। तो टिकट कटवा दो ना सोनाक्षी की, नहीं मतलब पैसे तो वही भरने वाली है, लेकिन मैं ट्रैवल एजेंट को बोल के उसकी टिकट कटवा देती हूँ। अभी तो चल फिरने लगी, अच्छी हो गई ना? पागल हो गई है, अभी सिर्फ चार कदम चली है वो, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती उसके यहाँ से जाने की बात मत करो। ओके भाभी, भाभी सरला आ गई लड्डू लेके? नहीं दी, अभी नहीं आई। करीना बुआ, जब माँ से बात हुई थी तो माँ ने कहा था बस निकल ही रही है घर से, तो इस वक्त वो पक्का रास्ते में होंगी, बस पहुँचती होंगी किसी भी मोमेंट। भोग लगने का टाइम हो गया है, आई होप वो टाइम पे आ जाए। करीना दी, सरला जी ने आज तक हमें कभी निराश नहीं किया, अब भी नहीं करेंगी, वो आती ही होंगी, आप इतना मत सोचिए। एक्चुअली भाभी, सोचने का काम आपका है, आप नहीं सोच रही ना, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। नहीं प्रीता, करीना दी सिर्फ थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि भोग लगाने का टाइम हो गया और लड्डू नहीं आए। जैसे ही सरला जी आ जाएंगी, दी विल बी परफेक्टली फाइन। अच्छा एक काम करो, मैं करीना को देखती हूँ, तुम लोग गेस्ट को संभालो, ठीक है? अब मैं भी मेहमानों को देखती हूँ। ठीक। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं चीजें। तो तू भी जाके मेहमानों को दे। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे तेरी बहन के पास रहना है, इसकी थोड़ी डांट लगानी है। फिर तो भूल जाओ जीजू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। आपको लगता है कि मैं आपको दीदी को डांटने दूंगी? ऐसा नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली ऐसे ही होने वाला है। ये तेरी जो दीदी है ना, ये मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आजकल सोनाक्षी को देने लगी है। सोनाक्षी क्या कर रही है, सोनाक्षी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, इसके दिमाग में सोनाक्षी चलती है। इसको ये बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, बस सोनाक्षी की फिक्र है। अभी अभी पापा के सामने भाग कर आई थैंक यू कहने के लिए कि सोनाक्षी ने ऐसा बोला, उसका वैलिडेशन चाहिए इसको। जो आपको पता है, आप है ना बहुत क्यूट है एंड आई लव यू, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी मेरे लिए भी आप अपने जैसा कोई दिल वाला ढूंढ दीजिए ना। क्यों? सैमी है ना? क्या करें जीजू, कुछ भी बोलते हैं हम। इसका अफेयर चल रहा है ना सैमी के साथ? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तुमने क्या पूछा? नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल। कैसी बहन हो यार तुम? वर्ल्ड की बेस्ट बहन। ओ, मैं वर्ल्ड का बेस्ट जीजू हूँ। ओके, मुझे पता है उनका अफेयर चल रहा है, लेकिन तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया, लेकिन आम जी करण दूसरा पता लगा लूंगा मैं, अभी देखो जाके पता लगाता हूँ।
चंदू तेरे टेम्पो की उम्र हो गई है क्या? तो मेरा मतलब है कि ये वो इतना रो रो के चल रही है, खटारा होगी खटारा। अरे मुझे जल्दी जाना है। सॉरी सॉरी बहन जी, तो इसको बोलो ना भी जल्दी चले। लक्ष्मण जल्दी चला। अरे कौन है ये लोग टेम्पो ऐसे बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहे हैं? अरे टेम्पो का अगर स्पीड दो ना तो वो भी तेज दौड़ता है, लगता है इन्हें कहीं जल्दी जाने की नहीं है। अरे शाका, मैं पता लगाता हूँ ना यार, ये अतरंगी लोग है कौन? अरे रहने दे विष्णु, मुझे लग रहा है गाड़ी तो ठीक है लेकिन ये ड्राइवर है ना ढीला है। इसके टेम्पो की जो रफ्तार है ना, इससे तेज रफ्तार से तो मैं वॉक करता हूँ। अरे ये बैरिकेड क्यों लगे हुए हैं? अरे पुलिस क्यों खड़ी है? ये लोग गाड़ियां क्यों रोक रहे हैं? पैसे इतनी देर हो गई है। बहन जी नाकाबंदी है, कोई गुंडा सुंडा भाग गया होगा ना तो तलाशी ले रहे हैं, उसकी वजह से हमें भी देर हो रही है। नमस्ते आंटी। तू तो बी ब्लॉक वाला बबलू है ना? गाड़ी चेक करनी। बबलू अच्छा हुआ बेटा तू मिल गया। वो क्या है ना कि प्रीता के घर पहुंचना है, उसके ससुराल में वो मिठाई के डब्बे हैं। जाने देना, वो बैरिकेड लगा हुआ है, ऐसी चेकिंग हो रही है, हमें देर हो जाएगी। भाई साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास मिठाई है, वो प्रसाद है, प्रसाद गणपति जी का, दूसरा हाउस लेके जा रहे हैं हम लोग। पता चला है कुछ गुंडे ड्रग्स लेके जाने वाले हैं और बहुत ज्यादा ड्रग्स है, इसलिए हमें हर गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। हाँ विष्णु, हाँ तलाशी चल रही है। तुम लोग एक काम करो, ये नकली दाढ़ी बूझ लगा लो। ये लो। ठीक। गाड़ी का नंबर तो हमने बदल दिया, उससे तो पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो हवलदार जो हमें हमारा पीछा कर रहा था, अगर उसने पहचान लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सही बोल रहे। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, कम से कम यहाँ तो बबलू ना बुलाइए, मोहल्ले में जो भी बुला देते पर यहाँ मत बुलाइए। मंगेश है ना, मंगेश तेरा असली नाम तो मुझे पता ही नहीं, बबलू ही पता है। मंगेश छोड़ देना, जरा जल्दी कर देना बेटा, बहुत देर हो गई है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। दो मिनट दीजिए ना, हम चेक कर ले। अच्छा कर ले फिर चेक। ये सरला आंटी का टेम्पो है, इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनके टेम्पो की तलाशी करके टाइम वेस्ट क्यों करना। हाँ इनके पीछे वाली वैन थोड़ी गड़बड़ लग रही है, पहले तो इस गाड़ी का नंबर कुछ और था, अब कुछ और, पता नहीं क्या चक्कर है। बहन जी गाड़ी की तलाशी हो गई है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। चल चल लक्ष्मण जल्दी निकाल। सुनो वैन की तलाशी लो। ओ सर क्या हो रहा है ये? मिठाई का डिब्बा साहब। हाँ ये क्या मिठाई का डिब्बा है? कुछ नहीं मिला साहब, जाने दो। विष्णु चल यहाँ पे अपने दाढ़ी मूछ निकाल देते हैं, अब खतरा नहीं है। चलो यहाँ से तो निकले। शाका सबसे पहले ना उस महिला मंडली को पकड़ेंगे, अरे जिसके टेम्पो में अपना माल है ना। लेकिन यार उनकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही, दूर निकल गई क्या? हिंडू इसलिए बड़ा, अभी पकड़ दो उनको। अरे अरे वो रही वो देख, मगर ये उस तरफ क्यों जा रहा है यार? उस तरफ क्या है पुलिस? अरे उस तरफ फेमस लोग रहते हैं यार। हाँ तो क्या हुआ, चल अपना माल लेना है, और अगर वहाँ फेमस लोग मिल गए ना तो अपने माल के साथ साथ ना उनका ऑटोग्राफ भी ले लेंगे। अरे खजूर अपने काम पे ध्यान दे। वहाँ से ले ले, आ अंदर पार्किंग में ले ले। हाँ आराम से। अरे रुक ना रुक। हाँ इधर लगा लेते हैं। चंडू गाड़ी पीछे ले। वो क्या है ना, गणेश आ रहा है और जानकी भी अंदर ही है, आप लोग जरा मदद कर देंगे डब्बे पहुंचाने में हॉल में, तो प्रीता और राखी जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ आजा। थैंक यू। अरे किसी का फोन आ गया।
मैं जरा ना बेटी के यहाँ ससुराल आई हूँ, मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ जी ओके। ये आवाज वापिस रख टेम्पो में डब्बे, और इधर आओ थोड़ा, यहीं खड़ा रह चुपचाप। शर्म नहीं आती तुझे? इतना हट्टा कट्टा जवान है, कोई काम कर सकता है ना? चोरी करने लग गया? अरे पता है गणपति जी के भोग के लड्डू है, मैं कितनी मेहनत से इतनी मेहनत से इतने सारे लड्डू बनाया, तो चोरी करके लेके जा रहा था। आंटी मैं चोरी नहीं कर रहा था। अगर भूखा था तो मांग लेता ना, मैं सच में दे देती, अंदर जाती भोग लगवा के तुझे डब्बा अपने हाथों से देने बाहर आती, लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी नहीं की मैम। झूठ से ना मुझे सख्त नफरत है। चोर नहीं हूं। पहले तुझे भूख नहीं लग रही थी, फिर बोल रहा है चोरी नहीं कर रही थी, फिर क्या कर रहा था, फिर मेरे डब्बे लेके कहाँ जा रहा था तू? रुक तू, अभी गार्ड आएंगे ना, मैं उनको बोलूंगी, पुलिस को फोन करेंगे, तब तुझे पता चलेगा। नहीं 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 आंटी आंटी पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। हां पुलिस के नाम से कैसे डर गया ना? शर्म नहीं आती तुझे? बड़े शहर में मां सोचती होगी कि बेटा मेहनत कर रहा है, कुछ कमा रहा है, अगर उसे पता चल जाएगा कि तू ऐसे यहां किसी घर के यहां पर पार्किंग में खड़ा होकर मिठाई चुरा रहा है तो क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? हां कितना बुरा लगेगा उसे, अगर जरा सा भी इतना सोच लेगा ना तो अगली बार चोरी नहीं कर पाएगा। कान पकड़, कान पकड़। सॉरी आंटी। उठक बैठक कर। अब बोल कि आगे से चोरी नहीं करूंगा। आंटी आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। बस खड़ा रहे और जा, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना आगे से। कभी नहीं, चोरी नहीं। पता नहीं कहां-कहां से आ जाते, चोरी करने लग गए इतनी जवानी। इसके चक्कर में ना मुझे वैसे ही देर हो गई, एक तो लड्डू पता नहीं अंदर से आए क्यों नहीं है, बैठ गए होंगे देखने किसी का डांस किसी की परफॉर्मेंस।
ओए, अपना ओरिजिनल कहाँ पे है? अरे अपना ड्रग्स यार। अरे वो अपनी माँ टाइप वाली महिला थी ना, अरे जिसके टेम्पो में वो सारा का सारा माल था यार। मुझे लगा वो घर के अंदर गई है और हम लोग अपना माल जल्दी जल्दी चुराने लगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो थोड़ी देर में अपनी उम्र की शोरूम जैसी दूसरी महिला के साथ वहां पर आकर पहुंच जाएगी यार। और उसे लगा उन सबके सब डिब्बों में लड्डू ही है और उसने ना हमें चुराते हुए देख लिया। उसे क्या पता था यार कि उन डब्बों में लड्डू नहीं, उनमें हमारा सामान है। और हम तो सिर्फ सामान ले रहे थे, उनके डब्बे तो हम वापस रखने वाले थे ना यार। वो औरत थी ना यार, उसने मुझे बहुत डांटा यार, उसने मुझे इतना डांटा कि अरे माँ की याद आ गई यार। पता है उसने मुझसे क्या कहा? चोरी नहीं करते। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए यार। देख अभी तक आंखें गीली है यार। अबे देख ना, ये ऐसी बातें ना हम लोग को बर्बाद करती है। जब बचपन में अपनी माँ की बात सुननी थी उस समय तो नहीं सुना हा? और आज जवानी में उस माँ की बात सुन रहा है, किसी और की माँ की बात सुन रहा है। चलो रे, हम अपना माल लेके आएंगे और ये कार भी ले चलते हैं, और है ना ये लड्डू का डिब्बा उन्हें वापस देके आएंगे और अपना माल लेके आएंगे। चलो चलो। गार्ड, लक्ष्मण, जानकी सब अंदर ही बैठ गए, पता नहीं बाहर ही नहीं आ रहे। बाकी के डब्बे भी तो लेके जाने, मुझे लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। विष्णु, हाँ, ये औरत, इस औरत ने तुझे डरा दिया था? ये औरत नहीं है, महादेवी है। नहीं नहीं, कुछ अजीब है ये, पता है इसने मुझे बहुत डराया, पर पहली बार कभी ऐसा हुआ कि किसी ने डराया और मुझे गुस्सा नहीं आया। चल चल, वो देख, मुझसे तो उम्मीद करना मत कि तेरे जैसे है ना मेरे दिल में इसकी ममता की एंट्री होगी। माँ, प्रीता, अरे तू क्यों आ गई? मैं आ ही जाती अंदर। माँ, आपकी हेल्प करने आ गई। एक मिनट, एक कुछ मत बोल, पहले मुझे निहारने तो दे, कितनी सुंदर लग रही है। शाका, ये लड़की ना हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तू टेंशन मत ले, इसको तो मैं देख लूंगा। वैसे तो कुछ भी पहले सुंदर लगती है, लेकिन तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। ओ मेरा बच्चा, आ जा। अरे सरला आंटी, ऋषभ आया है। खुश रहो बेटा, इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। सच में बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। चल 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 चल। अरे शाका, ये तो एक आदमी और आ गया यार। अबे पिघले हुए मॉम, हम चार हैं और वो एक, और दो औरतें, और अगर औरतों को छोड़ देना तो वो एक और हम चार। तो यही बात आप मुझे पहले बोल देते, मैं प्लेन लेकर आपसे मिलने चला आता। यार तू बड़े गले छले मिल रहा है मेरी सासू माँ से। ये एक अकेला आदमी है इस पूरी दुनिया में जो अपनी सासू माँ को लेकर इतना पोसेसिव। अरे भाई कहीं नहीं लेके जा रहे तेरी सासू माँ को। खुश रहो खुश रहो। ये बेकार में जले सुतरा था। शाका, ये तो करण लूथरा है ना? हाँ। चल चल चल। ए शाका, वो करण लूथरा था ना? अब ये दो आदमी और दो औरतें हैं शाका। अबे कुछ ज्यादा गिनती मत कर, बस गुंडे का दिल रख और माँ का दूध पिया है ना तो डरना मत। हाँ माँ का दूध पिया है। चल चल। मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ, वो भी तुझसे। चल तेरे साथ शेयर कर लूंगा। अरे तुम दोनों मेरे बेटे हो और अब ये ना मेरा दामाद भी बन चुका है, इसलिए ऐसे ज्यादा प्यार करना पड़ता है। बस मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे, कोई गलत फहमी तुम दोनों के बीच में ना आए, और अपनी बच्चियों के साथ साथ आज ये काला टीका तुम्हारे लिए भी की नजर ना लग जाए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते महेश जी। नमस्ते बेटा। अरे खुश रहो खुश। जबरदस्त टीके लगाए हमने बच्चे। हाँ भाई, किसी की नजर ना लग जाए। भाई लड्डू भी आ गए और आप भी आ गए। हाँ बेटा, गार्ड आप आकर के लड्डू। अरे आप कहाँ रह गए थे? मैं डब्बे के लिए इंतजार कर रही थी। लगता है जानकी और वो जो खास साथ में लक्ष्मण, वो अंदर ही रह गए। अरे राखी जी, ध्यान से ले जाइएगा। सरला जी जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए राखी जी, वो रस्ते में ना नाकाबंदी लगी हुई थी, पुलिस के चक्कर में थोड़ा देर हो गई। आप बिल्कुल वक्त पे आई हैं। अच्छा, चलिए चलिए।
बस ये डब्बे से अरे हम ले आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाइए, हम लोग है ना, आप लोग जाइए जी, चलिए। माँ मैंने आपको कहा था साड़ी पहन के आना, आज सबने साड़ी पहनी है, भूल गई, मुझे पता था कि आप भूल जाओगे, मैंने सब अरेंजमेंट कर रखा है। चलिए कई काम से अपना सारा माल तो उसके घर के अंदर चला गया, पता नहीं बॉस को पता चलेगा तो कितना हड़कंप मचा देगा। जे मेरा माल वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अपनी गिटार तोड़ रहे हो, अपने गिट्टू। इसे नहीं तोड़ूंगा मैं, ये तो मेरी जान है, शांत मार्कोस शांत। नहीं डरना मना है, वो एक औरत ही तो थी जो एक परिवार में गई है, वो भी पापा के लिए, अब उसे क्या पता था कि हमारा माल उसके पास है। हाँ उससे आया था कि मेरा माल जू में होना चाहिए, ना कि कर्ण लूथरा के घर पे। लेकिन भाई वहां से माल निकल कर लाना बहुत मुश्किल है, और आपको तो पता ही है करण लूथरा कौन है। क्यों बे, तो करण लूथरा को ज्यादा जानता है क्या, मुझे नहीं जानता। अरे मैं वो बला हूँ जो कोई नहीं जानता, खतरनाक होती है ऐसी बला। टेंशन ना लो, हम लोग माल लेने लूथरा के घर पे जाएंगे। लेकिन बॉस वो एक सेलिब्रिटी का घर है, तो वहाँ बहुत सिक्योरिटी है और सबके पास गन है। अरे उनके पास गन है तो हमारे पास में गन्स के साथ में बहुत सारे हथियार है, चाकू छुरे, और मार्कोस को मालूम है कि कौन से वक्त पर कौन सा पत्ता खेलना है, अपना माल वापस लेके आएंगे। हाँ बॉस, जहाँ खड़े होंगे मार्कस बॉस उड़ जाएंगे सबके होश। सही बोला। लेकिन बॉस अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे ना। अरे गुंडे कभी गुंडे बनकर जाते हैं क्या, कभी कभी ढोल नगाड़े वाले मुंडे भी बनके जाते हैं। मतलब? मतलब हम संगीत वाले बनके जाएंगे। हथियार लेके आ, सारे हथियार लेके आ। जी बॉस। भाई गणपति बाबा के उत्सव पे आप गिटार बजाओगे? हाँ मैं गिटार बजाऊंगा, और तुम लोग बैंड बाजा बजाना। बॉस ये हमारे सारे हथियार, चलो निकालो और बांट लो आपस में।
पंडित जी, ये लड्डू के कुछ डिब्बे हैं, बाकी के डिब्बे अंदर पैक हो रहे हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो इन डिब्बों में से प्रसाद दे देना, जब तक बाकी के आ जाएंगे। जी बहुत अच्छा। महिषी, आपने डब्बे रखवा दिए गेस्ट रूम में? हाँ राखी जी, रखवा दिए। किचन में जगह ही नहीं थी तो हमने गेस्ट रूम में रखवा दिए। आई होप जल्दी से गिफ्ट रैप हो जाए। हो जाएंगे दीदी। मैंने ना बास्केट्स मंगवा ली हैं, उसमें हम गिफ्ट्स रख के गेस्ट को देंगे, बहुत क्यूट लगेगा। सरला जी, जी अब लग रहा है ना कि आप गणेश उत्सव में आई हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। जल्दी जल्दी ऐसे ही आ गई, अच्छा हुआ इसने मेरे लिए सब तैयारी करके रखी थी। थैंक यू राखी जी। और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतने शॉर्ट नोटिस में लड्डू बनाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये तो है ही बेस्ट। मेरा मतलब है सरला आंटी बेस्ट है ना, तो इनके सारे काम भी बेस्ट ही होंगे, isn't it? Of course, पृथ्वी, सरला जी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब देखो ना, कल रात को ही मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और आज लड्डू बना के आ गई। अरे कैसे नहीं आती, मेरे दामाद का घर है, आपका घर है, मेरे समदों का घर है, मैं ऐसे कैसे नहीं लड्डू बना के लाती। वैसे आपके हाथ के बने हुए लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। इतने सारे लड्डू बनाए आपने जी, बहुत मेहनत की आपने, थक गई होंगी ना? नहीं, एक्चुअली मुझे बता दीजिए लड्डुओं का कितना हुआ, मैं पैसे दे देती हूँ आपको। करना वो आप।